नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हनुमान जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया। कहा, भगवान हनुमान सेवा और भक्ति के प्रतीक हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 1,00,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट और बिहार, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल की एक एक विधानसभा सीट के लिए मतगणना जारी। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने कैबिनेट स्तर के 6 मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिपरिषद का विस्तार किया। भुवनेश्वर में FIH प्रो लीग के दूसरे मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 3-1 से हराया। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता केरल के मलप्पुरम में शुरू। पश्चिम बंगाल ने पहले मैच में पंजाब को हराया। और IPL क्रिकेट में आज मुंबई में मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। दोपहर समाचार में मुकेश कुमार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हनुमान जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि मोरबी में हनुमान जी की प्रतिमा का लोकार्पण दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए खुशी का अवसर है। उन्होंने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि उन्हें हाल के दिनों में कई बार श्रद्धालुओं और आध्यात्मिक गुरुओं के बीच पहुंचने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के चारों कोनों में ऐसी 4 प्रतिमाएं स्थापित करने की परियोजना एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को दर्शाती है। हनुमान जी की इस तरह की 108 फीट ऊंची प्रतिमा देश के 4 अलग अलग कोने में स्थापित की जा रही है। शिमला में ऐसी ही एक भव्य प्रतिमा तो हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। आज ये दूसरी प्रतिमा मोरबी में स्थापित हुई है। 2 अन्य मूर्तियों को दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का कार्य चल रहा है। ये सिर्फ हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना का ही संकल्प नहीं है, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प का भी हिस्सा है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हनुमान जी अपनी भक्ति और सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं और इससे सभी को प्रेरणा मिलती है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान जी एक अहम सूत्र है। प्रधानमंत्री ने बताया कि रामकथा का आयोजन देश के विभिन्न इलाकों और भाषाओं में किया जाता है, जो सभी को भगवान की भक्ति में एक सूत्र में रखती है। श्री मोदी ने कहा कि हमारी आस्था और संस्कृति की धारा सद्भाव, समानता और समावेश की है। उन्होंने कहा कि रामकथा सबका साथ सबका प्रयास का सबसे अच्छा उदाहरण है। जब बुराई पर अच्छाई को स्थापित करने की बात आई तो प्रभु राम ने सक्षम होते हुए भी, सब कुछ करने का सामर्थ्य होने के बावजूद भी, उन्होंने सबका साथ लेने का, समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ने का, छोटे बड़े जीव मात्र को उनकी मदद लेने का और सबको जोड़ करके उन्होंने इस काम को संपन्न किया। ये सबका साथ सबका प्रयास का उत्तम प्रमाण प्रभु राम की ये जीवन लीला भी है। प्रधानमंत्री ने केशवानंद बापू और मोरबी के साथ अपने लगाव का स्मरण किया। मच्छुबाद दुर्घटना के बाद हनुमान धाम की भूमिका को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इस हादसे से मिले सबक से कच्छ भूकंप के दौरान मदद ली गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि यात्रा धाम ने काठियावाड़ को पर्यटन का केंद्र बना दिया है। हनुमान जी
चार धाम परियोजना के हिस्से के रूप में देशभर में चारों दिशाओं में स्थापित की जा रही चार मूर्तियों में से ये दूसरी प्रतिमा है। इस प्रतिमा को बापू केशवानंद जी के आश्रम में स्थापित किया गया है और इसी श्रृंखला में पहली प्रतिमा 2010 में शिमला में स्थापित की गई थी। दक्षिण में रामेश्वरम की प्रतिमा का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अपने शुभकामना संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भगवान हनुमान शक्ति, साहस और संयम का प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति में असंगठित श्रमिकों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार करोड़ों असंगठित श्रमिकों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उनके लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं चलाकर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है और कोविड महामारी के दौरान उनकी मदद के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार 29 श्रम कानूनों को सरल करके 4 श्रम नियम लेकर आई है। 27 करोड़ असंगठित श्रमिकों को राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण के द्वारा नई पहचान मिली है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज सवेरे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कामना की कि भोलेनाथ हमें धर्म, शांति और समृद्धि के पथ पर लेकर जाएंगे। बाद में उपराष्ट्रपति ने नवनिर्मित काशी विश्वनाथ धाम गलियारे का अवलोकन किया। उन्होंने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव के भी दर्शन किए। बाद में उपराष्ट्रपति नायडू ने चंदौली जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। पश्चिम बंगाल में आसनसोल लोकसभा सीट के उपचुनाव की मतगणना में तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरे चरण की मतगणना के बाद श्री सिन्हा अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी के अग्नि मित्र पॉल से 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही राज्य के बालीगंज विधानसभा सीट, छत्तीसगढ़ की खैरागढ़, बिहार में बोछाहा की विधानसभा सीट के लिए भी मतगणना जारी है। इस बीच पांचवें चरण की मतगणना के बाद तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो को बालीगंज विधानसभा सीट से 8,498 जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उम्मीदवार सायरा शाह हलीम को 8,049 वोट मिले। खैरागढ़ विधानसभा सीट पर ताजा रुझानों के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा 2,500 वोटों से आगे चल रही हैं। बिहार में बोचाहा विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी अमर कुमार पासवान ने भारतीय जनता पार्टी की देवी कुमारी को 36,658 वोटों के अंतर से हरा दिया है। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार को 82,547 वोट मिले जबकि भाजपा प्रत्याशी को 45,889 वोट मिले। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट पर अपनी जीत को बरकरार रखा है। इस सीट के लिए हुए उपचुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री जाधव ने भाजपा उम्मीदवार सत्यजीत कदम को 18,109 वोटों से हरा दिया। जयश्री जाधव को 96,226 जबकि सत्यजीत कदम को 77,742 मत मिले। पूर्व कांग्रेस विधायक चंद्रकांत जाधव के निधन के बाद उनकी पत्नी को इस सीट पर चुनाव में उतारा गया था। जयश्री जाधव इस निर्वाचन क्षेत्र से पहली महिला विधायक बन गई हैं। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आज कैबिनेट स्तर के 6 मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिपरिषद का विस्तार किया है। राज्यपाल ला गणेशन ने आज सवेरे राजभवन के दरबार हॉल में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही बीरेन मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इससे पहले 21 मार्च को 6 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें से 2 मंत्री नगा पीपुल्स फ्रंट पार्टी के हैं। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री, उनके कैबिनेट सहयोगियों और पार्टी के अन्य नेताओं ने भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना। हाँ?
सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूँ। तो रोका किसने है? हाँ, रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे? तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242। ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण योजना के 4 वर्ष पूरा होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1,00,000 केंद्रों पर ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सुविधा की शुरुआत की। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य और देखभाल केंद्र आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाएंगे। देश में इस समय 1,17,000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई संजीवनी सुविधा के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों के आम नागरिक भी बड़े डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। टेली कंसल्टेशन को जितना हम सक्सेस करेंगे इतना हेल्थ केयर एक्सेस होगी। दूर सुदूर गरीब या तो गांव में रहने वाले लोग, उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक पहुंचना, उसमें उसका समय भी जाता है, खर्च भी होता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्पोक के रूप में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हब के रूप में विकसित करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाएंगे हेल्थ केयर सेक्टर में। श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि देशवासी स्वस्थ रहेंगे तभी राष्ट्र प्रगति करेगा। उन्होंने बताया कि 18 से 23 अप्रैल के बीच देश के प्रत्येक प्रखंड में स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 186,38,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 6,89,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 975 नए रोगी सामने आए। देश में इस समय 11,366 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। देश भर में अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक की 446 शाखाओं और भारतीय स्टेट बैंक की 100 शाखाओं में सुचारू रूप से चल रहा है। तीर्थयात्री श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इस बीच अमरनाथ यात्रा की पुख्ता सुरक्षा योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की पहले से ही समीक्षा कर चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह के जल्द ही सुरक्षा समीक्षा बैठक करने की संभावना है। यात्रा 30 जून को शुरू होगी और 11 अगस्त को संपन्न हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हनुमान जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया। कहा, भगवान हनुमान सेवा और भक्ति के प्रतीक हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 1,00,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा की शुरुआत की। बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट और छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल की 1-1 विधानसभा सीट के लिए मतगणना जारी। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कैबिनेट स्तर के 6 मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिपरिषद का विस्तार किया। भुवनेश्वर में FIH प्रो लीग के दूसरे मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 3-1 से हराया। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट केरल के मलप्पुरम में शुरू। पश्चिम बंगाल ने पहले मैच में पंजाब को हराया। और IPL क्रिकेट में आज मुंबई में मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। प्रसार भारती अभिलेखागार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को इस संग्रहालय का उद्घाटन किया था। अभिलेखागार में लगभग 206 घंटे की ऑडियो और 53 घंटे की वीडियो उपलब्ध हैं।
इसमें संविधान सभा में संबोधन, प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम प्रसारण, शपथ ग्रहण समारोह, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान और पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन, आपातकाल की घोषणा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन शामिल है। संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की थी कि ये संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का केंद्र बनेगा, क्योंकि इसमें सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान को दर्शाया गया है। नीति आयोग लोगों को सरकारी आंकड़े और विश्लेषण पर आधारित जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए आगामी मई में राष्ट्रीय डेटा मंच की शुरुआत करने की योजना बना रहा है। इससे आंकड़े एकत्र करने के लिए निर्णय लेने और अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा। 2020 में ऐसा मंच बनाने की परिकल्पना की गई थी, जिसका उद्देश्य सरकारी स्रोतों के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करने को मानकीकृत करना और उदार विश्लेषण प्रदान करना है। आयोग के वरिष्ठ सलाहकार के हवाले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पोर्टल नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को डेटा को प्रोसेस किए बिना आसानी से विश्लेषण करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें ओजस्वी परीक्षा योद्धाओं के साथ बातचीत करने से प्रसन्नता होती है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम परीक्षा और जीवन से संबंधित कई मुद्दों के लिए एक जीवंत मंच है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के माध्यम से परीक्षा करीब आने पर तनाव मुक्त वातावरण बनाने और शैक्षिक प्रदर्शन तथा सफलता के बारे में स्वस्थ और समग्र सुझाव को बढ़ावा देने का काम किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर क्लास, अमूल्य मंत्र और मैत्रीपूर्ण सलाह अब एक बटन के क्लिक पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि नमो ऐप पर विशेष रूप से परीक्षा पे चर्चा मोदी मास्टर क्लास ऐप पर वीडियो देखे जा सकते हैं। स्कॉर्पिन परियोजना के अंतर्गत छठी पनडुब्बी वाघशीर का 20 अप्रैल को जलावतरण किया जाएगा। इसे मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने फ्रांसीसी सहयोग से बनाया है। ये स्कॉर्पियन यान कलावरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। यह अत्याधुनिक नेविगेशन ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है और कम शोर से दुश्मन को आसानी से गुमराह कर सकती है। इसमें कई तरह से हथियारों को भी शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह पनडुब्बी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। यह पनडुब्बी पानी के भीतर या सतह पर टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइलों को लॉन्च करके हमला कर सकती है। लॉन्च के बाद वक्षीर का समुद्री परीक्षण किया जाएगा। स्कॉर्पिन श्रेणी की चार पनडुब्बियों INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला को पहले ही चालू कर दिया गया है, जबकि पांचवी पनडुब्बी वागीर अभी भी समुद्री परीक्षण से गुजर रही है। पहले दो पनडुब्बियों INS कलवरी और INS खंडेरी को 21 सितंबर 2017 और 19 सितंबर 2019 को कमीशन किया गया था। INS करंज और INS वेला को एक ही वर्ष 2021 में फरवरी और नवंबर में कमीशन किया गया था। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। वंदनालु वंदनालु कंदुकूरी ఈ తెలుగు నేల పులకరించు చరితనీది। आज की कड़ी में हम समाज सुधारक और राष्ट्रवादी कंडुकुरी वीरेसलिंगम को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 16 अप्रैल 1848 को आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री में हुआ था। उन्हें तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन का जनक माना जाता है। वे दक्षिण भारत के आरंभिक समाज सुधारकों में शामिल थे,
जिन्होंने महिला शिक्षा और विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया। विवेक वर्धनी वेलुगु तबापिन भास्करुण नव समाज निर्मात गनिलचिन शाश्वतुडा नीलचिन शाश्वतुडा వందనాలు వందనాలు కందుకూరి ఈ తెలుగు నేల పులకరించు చరిత నీది. వీరేశలింగం తీన్ భాషాఓ తెలుగు संस्कृत और अंग्रेजी के विद्वान थे. उन्होंने राजशेखर चरित्रमु लिखा जो तेलुगु भाषा में प्रथम उपन्यास माना जाता है. उन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए व्यापक रूप से साहित्य रचना की. उनका लेखन मुख्य रूप से तत्कालीन अनैतिकता अंधविश्वास दोहरे मानदंडों और समाज की विसंगतियों पर करारा व्यंग्य है. వీరేశలింగం నే ఆరంభిక కాల్ కే దౌరాన్ మహిళాఓ కో దియే గయే మహత్వ కో చిత్రిత్ కర్నే కే లియే ప్రాచీన్ శాస్త్రో కా ఉపయోగ్ కియా. उन्होंने घोषित किया कि भारत केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसकी महिलाओं की प्रगति होगी. उन्होंने बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल खोले. వీరేశలింగం ने 11 दिसंबर 1881 को आंध्र प्रदेश का पहला विधवा पुनर्विवाह कराया. समाज के अत्यधिक विरोध के बावजूद వీరేశలింగం ने अपने जीवन में लगभग 40 विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह में सहायता की. उन्होंने विभिन्न पत्रिकाएं और जर्नल्स प्रकाशित किए जिनमें वो महिलाओं के हितों और शिक्षा पर बल देते थे. उन्होंने 1887 में राजा मुंद्री में ब्रह्म मंदिर की शुरुआत की. स्त्रीजनोद्धारणे ध्येयंगा तलचिनट्टि नवयुग वैतालिकुडु जनसेवकु महापुरुषुडु महापुरुषुडु. వీరేశలింగం उन लोगों में शामिल थे जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल हुए थे. 27 मई 1919 को उनका निधन हो गया. अंत समय तक वे समाज की बेहतरी के लिए कार्य करते रहे. महान भारतीय को हमारा नमन. हम राष्ट्रवादी पेंटर नंदलाल बोस को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. उनका निधन 16 अप्रैल 1966 को हुआ था. बोस को आधुनिक भारतीय कला की अग्रणी हस्तियों में शुमार किया जाता है. 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान बोस ने गांधी के सफेद लिनोकट प्रिंट पर काली आकृति बनाई. वो प्रिंट अहिंसक आंदोलन के लिए जानी पहचानी छवि बन गया. उन्होंने भारत के संविधान में चित्रण का कार्य भी किया जिसमें उन्होंने सदियों से पनपी भारतीय सभ्यता को चित्रात्मक रूप दिया. अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था. उनके शास्त्रीय कार्य में भारतीय पौराणिक ग्रंथों महिलाओं और ग्रामीण जीवन के दृश्यों की पेंटिंग शामिल है. जवाहरलाल नेहरू के कहने पर बोस ने भारत रत्न और पद्मश्री सहित भारत सरकार के पुरस्कारों के लिए प्रतीकों के स्केच बनाए. अपने शिष्य राम मनोहर के साथ नंदलाल बोस ने भारत के संविधान की मूल पांडुलिपि की सजावट का ऐतिहासिक काम भी किया. अंतिम समय तक नंदलाल बोस ने अपनी कला के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त बनाना जारी रखा. इस महान भारतीय को हमारा नमन. आज हम शहीद रामासुर सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था. वे आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाही थे. बाद में उन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी में विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी. कंपनी की सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. अंडमान द्वीप समूह में 16 अप्रैल 1858 को हिरासत में उनका निधन हो गया. भारत माँ के महान सपूत को नमन.
इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के आरंभिक मैच में आज पश्चिम बंगाल ने पंजाब को 1-0 से हरा दिया। केरल के मलप्पुरम के कोटापड़ी स्टेडियम में ये मैच खेला गया। मेजबान केरल की टीम आज रात अपना पहला मैच राजस्थान के साथ खेलेगी। ये मैच रात 8 बजे मंजेरी के पायानाड स्टेडियम में शुरू होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मैच खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई के ब्रिबॉन स्टेडियम में दिन में 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। दूसरे मैच में मुंबई के ही वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हराया। भारत ने कल भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में FIH प्रो हॉकी लीग के दो चरणों की टाई के दूसरे मैच में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से सुखजीत सिंह ने 19वें, वरुण कुमार ने 41वें और अभिषेक ने 54वें मिनट में गोल किए। जर्मनी के एंटन बॉयकेल ने खेल के 45वें मिनट में अपनी टीम का एकमात्र गोल किया। भारत ने जर्मनी के खिलाफ दोनों मैच जीत लिए हैं। इस जीत के साथ अमित रोहिदास की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष टीम 12 मैच में 27 अंक के साथ तालिका में पहले स्थान पर है। जर्मनी 10 मैचों में 17 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है। बृहस्पतिवार को टाई के पहले मैच में उपकप्तान हरमनप्रीत सिंह के गोल और प्लेयर ऑफ द मैच बने अभिषेक के एक गोल की बदौलत भारत ने जर्मनी को 3-0 से हराया था। अब भारत का दो चरणों का टाई मैच बेल्जियम के साथ होगा। ये मैच बेल्जियम के एंटवर्प में स्पोर्ट्स सेंट्रम विलिजिक्स प्लेन में जून के महीने में खेले जाएंगे। नागर विमानन मंत्रालय की महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान को नवाचार की श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार के तहत एक ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जांच शुरू की है जिसने प्रधानमंत्री कार्यालय में स्वयं को कथित तौर पर अधिकारी बताया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने ये जानकारी उस व्यक्ति के बारे में मिली शिकायत के आधार पर दी है। श्री अस्थाना ने बताया कि कुणाल मर्चेंट नाम के एक व्यक्ति ने दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से किसी विवेक कुमार नाम के व्यक्ति से ईमेल मिला जिसमें उन्हें प्रधानमंत्री के इस्तेमाल किए लिए एक खास तरह की मेज डिजाइन करने को कहा गया। मुंबई हुनर हाट का 40वां संस्करण आज से मुंबई में शुरू हो गया है। मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र बांद्रा कुर्ला परिसर में शुरू हो रही ये हुनर हाट सवेरे से आम लोगों के लिए खुल गया है। हुनर हाट का औपचारिक उद्घाटन कल सवेरे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया जाएगा। और अब मौसम। केरल के कई हिस्सों में सोमवार तक मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक पूरे राज्य में तेज हवाएं चलने की आशंका व्यक्त की है। इडुक्की और वायनाड जिलों के लिए आज येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। केरल के कई हिस्सों में मॉनसून से पहले की वर्षा के कारण फसलों और संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली और मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गुवाहाटी, इम्फाल, आइजोल, शिलंग, कोहिमा, ईटानगर और गंगटोक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे या एक या दो बार गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इन स्थानों पर अधिकतम तापमान 24 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हनुमान जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया। कहा, भगवान हनुमान सेवा और भक्ति के प्रतीक हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 1,00,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट और छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल की एक एक विधानसभा सीट के लिए मतगणना जारी। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कैबिनेट स्तर के 6 मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिपरिषद का विस्तार किया। भुवनेश्वर में FIH प्रो लीग के दूसरे मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 3-1 से पराजित किया। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता केरल के मलप्पुरम में शुरू। पश्चिम बंगाल ने पहले मैच में पंजाब को हराया। और IPL क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।